डेंगू का वायरस राजस्थान के अंदर तेजी से फैल रहा है। आप सभी को बता दें कि एक 14 साल के लड़के की मौत हो गई और इस मौत के पीछे डेंगू का कारण है। साथ ही आपको बता दें कि उसका पूरा शरीर सूज चुका था। इसी के चलते हुए जब पहले तो वह अस्पताल के अंदर जब इसकी रिपोर्ट आई तो भर्ती हुआ, और उसके बाद में जब वह वापस घर चला गया सही होने पर, तब अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ी और अस्पताल जाने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी है। तो हाल फिलहाल क्या कुछ ये मामला सामने आया, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। राजस्थान में डेंगू से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अलवर में सोमवार को एक 14 साल के लड़के की मौत हो गई। लड़का डेंगू पॉजिटिव था। उसे सुबह अचानक तेज बुखार चढ़ा और शरीर पर सूजन आ गई। हालात बिगड़ने पर परिजन उसे थानागाजी हॉस्पिटल ले गए। जांच के बाद डॉक्टर ने उसे अलवर रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उसने अपना दम तोड़ दिया। चचेरे भाई बाबूलाल योगी ने बताया कि मेरे चाचा श्रवण योगी के बेटे गिरिराज को 4 दिन पहले तेज बुखार आया। खेड़ा गाँव से इलाज के लिए उसे थानागाजी अस्पताल लाया गया। जांच में गिरिराज डेंगू पॉजिटिव आया। 2 दिन इलाज के बाद तबीयत में सुधार हुआ तो रविवार को उसे घर ले गए। सोमवार सुबह अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और अलवर अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। जिला अस्पताल में डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित किया। गिरिराज माता पिता की इकलौती संतान था। उसके पिता गाँव में खेतीबाड़ी करते थे। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।